हमारा विद्यालय, आर स्कूल। कठिन शब्दार्थ, प्राचार्य, विद्यालय का प्रमुख। पुस्तकालय, जहां किताबें रखी जाती हैं। सभा, सुबह की सामूहिक प्रार्थना। कक्षा अध्यापक, वह अध्यापक जो संपूर्ण कक्षा का प्रबंध तथा रिकॉर्ड रखता है। विद्यालय वह स्थान है जहां हम शिक्षा के लिए जाते हैं। हम बहुत सी नैतिकता की बातें भी विद्यालय में सीखते हैं। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूं। मेरे विद्यालय का नाम शारदा पब्लिक स्कूल है। यह कक्षा 10 तक है। श्री दीपक शर्मा हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं। श्री आर के जैन हमारे कक्षा अध्यापक हैं। प्राचार्य, हमारे कक्षा अध्यापक और अन्य सभी अध्यापक हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। उनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा है। वे सभी बच्चों को प्यार करते हैं। विद्यालय का ढांचा। मेरे विद्यालय की बहुत बड़ी इमारत है। इसमें 30 कक्षा कक्ष हैं। प्रत्येक कक्षा के 3-3 विभाग हैं। इसमें एक प्राचार्य कक्ष, एक कार्यालय, एक पुस्तकालय और 2 स्टाफ कक्ष हैं। इसमें विज्ञान की प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर कक्ष हैं। संगीत और खेल कूद के लिए भी अलग से कक्ष हैं। हम पुस्तकालय से किताबें उधार लेते हैं। श्री कुमावत हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। वे बहुत ही सहयोगी स्वभाव के व्यक्ति हैं। खाली समय में हम पुस्तकालय में अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर कक्ष में हम कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस कक्ष में कुल 6 कंप्यूटर हैं। श्रीमती सक्सेना हमारी कंप्यूटर अनुदेशिका हैं। श्रीमती शीतल वर्मा हमारी संगीत की शिक्षिका हैं। वे हमें संगीत की बारीकियों की शिक्षा देती हैं। हमारे विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान है। हम वहां खेल के चक्र कालांश में खेलते हैं। श्री पी के राठौर हमारे शारीरिक शिक्षा विषय के शिक्षक हैं। वह हमें विभिन्न खेलों के बारे में निर्देश देते हैं। वे राष्ट्रीय कैडेट कोर और स्काउट की गतिविधियों को भी देखते हैं। रोज सुबह हम सभा स्थल पर प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारे प्राचार्य सभा में एक साधारण भाषण देते हैं। हम सभा स्थल पर बहुत से शारीरिक व्यायाम और योग की क्रियाएं भी करते हैं। खेल, शारीरिक व्यायाम और योग हमें चुस्त और स्वस्थ बनाए रखते हैं। हमारे विद्यालय के प्रति कर्तव्य। हमें प्राचार्य, सभी अध्यापकों और वरिष्ठ छात्रों का आदर करना चाहिए। हमें कक्षा में शांत रहना चाहिए। हमें विद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें सभा स्थल पर प्रार्थना के समय सीधा खड़ा होना चाहिए। हमें शोर नहीं करना चाहिए। हमें अपने सभी साथी विद्यार्थियों के प्रति सहयोगी भाव रखना चाहिए। स्मरणीय तथ्य। विद्यालय वह स्थान है जहां घर के बाद आप ज्यादा समय तक रहते हैं। शिक्षकों का सम्मान करना भगवान का सम्मान करने के बराबर है। अध्ययन करना पूजा के समान है, इसलिए ध्यान लगाकर पढ़ें। अन्य विद्यार्थियों के साथ सहयोग करें।